तो कुछ इस प्रकार से लगी हुई हैं दोनों चक्कियाँ, स्ट्रक्चर पर ढला हुआ फ्रेम है ये, और वहाँ पर वो पावर कंसोल्ड है, हमने दिखाया था अभी स्टार्ट हुई थी तब, और साथ ही में थ्री फेस का पावर फैक्टर भी लगा हुआ है ये। और हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में ये दो मॉडल रखी हुई हैं चक्की के, जिनके हॉपर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी। हैवी ड्यूटी ये भैया ने करवाया है, ये इधर से क्या कट पिसाई वगैरह रखते हैं अपन, तो इसमें मतलब हॉपर लंबे समय तक चले, इसके लिए इन्हें अलग से ये पट्टियाँ लगाए हैं वुडन के। और ये दो चक्कियाँ हैं, ये वाली है मसाले के लिए यूज़ करते हैं, और ये मोटर है 7.5 की CG पावर, और इससे आटा निकालते हैं, अनाज पीसते हैं। तो ये अभी यहाँ से बेल्ट चेंज कर ये अभी गेहूं की पिसाई के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये पट्टा भी चढ़ गए आराम से। और ये मॉडल है ओल्ड दाब थर्ड पेडिसल मॉडल, और ये वाला मॉडल है नेशनल मॉडल। तो ये ऐसे वजन रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसके लिए हैवी ड्यूटी मतलब करवाया है इनने ये पटिया। तकरीबन 1.5 इंची मोटाई में है ये पटिया। ये तो अभी ये चालू हो रही है, ये हुई आटा चक्की हमारी चालू। और इधर से ये प्रेशर दिया, और तीन पलिया वाला ये बैरिंग लगा है डंपर, और ये काट कर छोटा किया है, इसका सपोर्टर बोलते हैं हमारे यहाँ ये, इसके लिए छोटा किया है। और ये सीजी पावर की 7.5 पावर है मोटर है ये। और ये मसाले के लिए यूज करते हैं। ये दोनों आटा होता है, ये आटे की क्वालिटी है। तो कुछ इस प्रकार से लगी हुई हैं दोनों चक्कियाँ, स्ट्रक्चर पर ढला हुआ फ्रेम है ये, और वहाँ पर वो पावर कंसोल्ड है, हमने दिखाया था अभी स्टार्ट हुई थी तब, और साथ ही में थ्री फेस का पावर फैक्टर भी लगा हुआ है ये, और एम्पियर मीटर भी है साथ में। और उस पर मिर्च मसाले के लिए यूज़ करते हैं थर्ड पेडिसल ओल्ड दाब करके मॉडल है वो वाला, और ये वाला नेशनल दाब है ये वाला। और हॉपर की सेफ्टी ने अच्छे से की है, क्या हॉपर ही थोड़ा कमज़ोर रहता है इनका, टेढ़ा एढ़ा तिरछा हो जाता है कभी कभी, ज़्यादा वजन रखते हैं तो। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।